कांग्रेस में शामिल हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मंगलवार को राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दों से दूर हैं। वह हिंदू मुसलमान का मुद्दा ला रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, किसान, महिला सम्मान है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कह रहे हैं। राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने देश के किसानों के बीच में ये वायदा रखा कि सरकार बनते ही हम देश के किसानों को मजबूत करेंगे। अगर देश के किसानों पर कर्जा होगा तो उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा, किसानों के लिए अलग बजट लाया जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी, राहुल जी इस देश के किसानों को मजबूत करना चाहते हैं। और आज मध्य प्रदेश के अंदर हर किसान, हर नौजवान कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश नर्मदा के अंदर काफी पानी दे रहा है, फिर भी गुजरात की सरकार वहां के किसानों को पानी नहीं दे पा रही। उद्योगपतियों की कंपनियों में पानी जा रहा है, किसानों के खेत में पानी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है और पूरा देश भी जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों के साथ धोखा करने का काम किया। 2 करोड़ की रोजगारी का मामला हो, 15 लाख रुपए का मामला, इन सारे मामलों में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस हो रहा है। और आज नरेंद्र मोदी जी इस देश में राष्ट्रवाद का मुद्दा ला रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का मुद्दा, भारत पाकिस्तान का मुद्दा, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने तय किया है कि हमारा मुद्दा है रोजगारी है, किसानी है, महिलाओं का सम्मान है, भारत माता को सबसे मजबूत करने का हमारे पास। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।